जल्दी बताओ, जाना है मुझे। चिंपू कम ऑन। अरे क्या हुआ, चलो भागो, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखते नहीं तुम कितने मोटू होते जा रहे हो सिंपू। अरे क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गए, चलो चलो उठो। ये तो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कोई बात नहीं, तुम्हें लाइन पर लाना मुझे आता है। मेरा नाम भी चिंपू है। कम ऑन सिंपू, क्विक जल्दी आओ, ये रही तुम्हारी फेवरेट बिस्किट। कम ऑन ले लो ले लो। इतनी आसानी से ये बिस्किट नहीं मिलेगी तुम्हें। आज तो तुम्हारी कसरत करवा कर रहूंगा। आओ जल्दी। रुक जा, आयो रुक जा। लेट्स गो सिंपू। आयो हैरी, मेरी टांग टूट गई। सॉरी अंकल, आप ठीक तो है ना? अरे मैं ठीक हूँ। आप उस आदमी के पीछे क्यों भाग रहे थे? अयो, वो मेरा पर्स लेकर साइकिल पर भाग रहा था। क्या कहा? अंकल आप रुकिए, हम अभी जाकर उस चोर को पकड़ते हैं। सिंपू जल्दी चलो। नहीं 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 नहीं, रहने दो, उस पर्स में ज्यादा रुपया नहीं था। नहीं अंकल, हमारे होते यहाँ कोई चोर नहीं घूम सकता। आप यहीं पर रुकिए, हम बस यूं गए और यूं आए। बिंगो, क्या परफेक्ट शॉट था। मेरा सिर। चलो चुपचाप ईमानदारी से वो पर्स मेरे हवाले कर दो, वरना। रुको रुको, हम चोरों का भी ईमान होता है। ये लो पर्स, अब तो मेरी जान छोड़ो, मैं कहीं पकड़ता हूँ, आगे से तुम्हारे इलाके में कभी चोरी नहीं करूँगा। सिर्फ मेरे ही इलाके में नहीं, कहीं भी अगर तुमने चोरी की तो फिर ये मार्बल सीधे तुम्हारी खोपड़ी से टकराएगी। ठीक है ठीक है, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा, अब तो मुझे छोड़ दो। जाओ, लेकिन याद रखना, चोरी की तो माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ। चलो सिंपू, अंकल को उनका पर्स लौटाते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो अंकल कहाँ गए? अजीब मुसीबत है, अब इस पर्स का हम क्या करें? चलो इसे पुलिस को दे देते हैं। लेकिन पुलिस को देने से पहले ये पैसे गिन लेता हूँ, ये नोट कुछ अजीब लग रहे हैं। पुलिस को देने से पहले हमें नोटों को एक बार दिया को दिखाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही निकला चिंपू, इन नोट्स में सच में कुछ गड़बड़ है, ये नोट नकली है। क्या इसका मतलब कि बेचारे अंकल को किसी ने नकली नोट दे दिए और वो बेचारे नकली नोट्स के लिए परेशान हो रहे थे? हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये नकली नोट्स उनके पास कहाँ से आए? इसका जवाब तो खुद अंकल ही दे सकते हैं, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमें नकली नोटों का क्या करें। करना क्या है, इन नोट्स को तुरंत पुलिस को लौटा देना चाहिए। जानते हो ना, नकली नोट को अपने पास रखना बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए अब देर मत करो और इन नोट्स को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन चलो। हाँ तुम सही कह रही हो दिया, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। ठीक है, तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचो, मैं पापा को फोन करके आती हूँ। सिंपू कहाँ जा रहा है? सिंपू! ये तो वही अंकल है जिनका पर्स हमारे पास है, हमें इन्हें रोकना होगा। अंकल
रुकिए। अयो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपका पर्स मिल गया, ये लीजिए। बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, लेकिन अंकल आपके पर्स में नकली नोट्स हैं। ये पर्स मेरा नहीं है। आप खुद देख लीजिए। नो 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 नो, ये पर्स मेरा नहीं है। तुमको कोई गलत फहमी हुआ है। चलो, मुझे देर हो रहा है, मैं जाता है। नहीं अंकल, ये पर्स आपका ही है, मैंने उस चोर से छीन कर लिया है। आप ठीक से देखिए। देखो बच्चे, एक तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो और ऊपर से मुझको नकली नोट भी दे रहे हो। हमको लगता है तुम ही ने उस चोर से असली नोट लेकर नकली नोट इस पर्स में डाल दिया है। क्या? अरे हम तो आपका पर्स लौटा रहे हैं और आप हमें चोर बता रहे हैं। ये लीजिए अपना पर्स। तुम ऐसा नहीं मानेगा, हा? मैं अब भी पुलिस को बुलाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमें आरोपी बना रहे हैं। इससे पहले कि वो पुलिस के पास पहुंचे, हमें पुलिस के पास जाना होगा। चलो। जाइए। कमिश्नर अंकल, पांडू और इंस्पेक्टर प्यारे के साथ यहीं पर हैं और उन्होंने उस आदमी को जाने दिया। अरे चिंपू, आज सुबह सुबह किधर घूम रहे हो? पता है मेरे को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। ओए पांडू, और तुम अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो तुम्हें मेरे घर की ना सफाई में लगा दूंगा। नहीं साहब, मेरे को पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। आई शपथ। ए पांडो, अब तने काम पर भी ध्यान दो और इनकी तलाशी लो। मेरी तलाशी? लेकिन ड्यूटी है बेटा, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चिंपू बेटा, दो मिनट लगेंगे, चेकिंग कर लेने दो। ओ, हमें खबर मिली है कि कुछ लोग ना नकली नोट लेकर आ रहे हैं। आएगा? ये क्या है, इतने सारे रुपये? अंकल मेरी बात सुनिए, ये नोट नकली है, ये देखिए सर। ओ नो, ओ ये तो वही नकली नोट है जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। ओ चिंपू, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं अंकल, ये नोट मेरे नहीं है, मैं तो इन्हें आपके पास ही लेकर आ रहा था। ये तो उस आदमी। अरे हर गलत काम करने वाला यही कहता है चिंपू भैया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ प्यारे अंकल, एक चोर ये पर्स लेकर भाग रहा था। मैंने ये पर्स उसी से छीना और जब मैं ये पर्स इसके मालिक को देने गया तो उसने कहा कि ये नकली नोट उसके नहीं है। अभी अभी जो आदमी यहाँ से वैन में गया, ये पर्स उसी का था। और चिंपू, और मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करने का मन होता है लेकिन मैं मजबूर हूँ। और नकली नोट तुम्हारे पास से बरामद हुए हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चिंपू, तुम टेंशन मत लो, हम इस मुसीबत को सॉल्व कर लेंगे। अरे दिया बेटी, ये नकली नोट का केस है। सांप सीढ़ी का खेल नहीं ना है जो तुम लोग ऐसे ही हंसते हुए सॉल्व कर लोगे। आप हम बच्चों को कमजोर मत समझिए। ओ दिया, ओ ये बच्चों का खेल नहीं है, और नकली नोटों का मामला है और वो नोट चिंपू के पास से मिले हैं। लेकिन अंकल वो नोट मेरे नहीं है, वो उस आदमी के थे। और वो आदमी गधे के सर से सींग की माफी गायब हो गया है। और शट अप पांडू, चिंपू बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा आप एक मौका तो दे सकते हैं ना?
ठीक है, तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। थैंक यू अंकल।